हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ अपने सी आई बी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने बी एफ एम के मॉड्यूल सी को शुरुआत कर रहे हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि ये जो मॉड्यूल सी है हमारा, वो पूरा पूरा थ्योरेटिकल है, तो इसमें थ्योरी को हमें समझना है। तो यह काफ़ी आसान टॉपिक है, तो इसे मैं जो भी चीज़ मैं बताऊँ अपने लेक्चर में, वो वही इंपॉर्टेंट है, बस यही समझिए। बुक में अननेसेसरली बहुत कुछ दे दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप बस जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं नोट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उससे ध्यान से पढ़िए, बस दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को, जो कि बेस्ड है हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहले ट्रेजरी मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रेजरी होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेजरी। सो द फर्स्ट थिंग इज, ट्रेजरी होता क्या है, इट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड फ्लो। तो यहाँ पे कीवर्ड है हमारा शॉर्ट टर्म फंड फ्लो, ये नोट कीजिएगा आप लोग। अब प्रश्न उठता है कि शॉर्ट टर्म फंड फ्लो क्या है। तो देखिए, ऐसा सिक्योरिटीज़ हैं जिसका मैच्योरिटी एक साल से कम हो, हैविंग लेस देन वन ईयर मैच्योरिटी, तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म फंड फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेजरी किससे डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से डील करता है। और शॉर्ट टर्म फंड फ्लो का क्या डेफिनेशन है, कि ऐसा कोई भी सिक्योरिटी जिसका मैच्योरिटी पीरियड वन ईयर से कम हो। तो अब देखिए, आप लोग पढ़े होंगे SLR के बारे में, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट, तो उसे हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमारा ट्रेजरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म फंड फ्लो से कौन डील करता है, हमारा ट्रेजरी डील करता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ट्रेजरी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो पहले क्या था, कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ठीक है, वही था ट्रेजरी का मेन फंक्शन। मतलब ट्रेजरी का मेन फंक्शन क्या था, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लेकिन अब क्या है कि इसके अंदर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब भी जुड़ गए हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट तो है ही है, साथ ही साथ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी इसमें जुड़ गए हैं ट्रेजरी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेजरी एक ब्रॉड फील्ड हो गया है। पहले इसका इसका जो ये था इन्वॉल्वमेंट था, वो नैरो था। ठीक है, अब जो है ये ब्रॉड फील्ड हो गया है, इसके अंदर ट्रेडिंग भी आ गया है, इन्वेस्टमेंट भी आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं वो केवल मैकमिलन बुक से लिए गए हैं, तो आप बस इसे ध्यान से पढ़िए, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। चलिए, अब हम लोग एक नया टर्म है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। आइए इसे समझते हैं क्या है ये इंटीग्रेटेड ट्रेजरी। देखिए, इंटीग्रेशन मतलब होता है सम्मिलन होना, मतलब सभी कुछ अलग अलग फील्ड में सब एक जगह मिल जाए, तो उसे इंटीग्रेट कहते हैं हम लोग। तो किस चीज़ का इंटीग्रेशन हुआ इसमें, तो देखिए, मनी मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, सिक्योरिटी मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, और फॉरेक्स मार्केट का इंटीग्रेशन हुआ, तब ये तीनों मिलकर हमारा इंटीग्रेटेड ट्रेजरी कहलाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, यदि पूछा जाए आपसे कि ट्रेजरी का इंटीग्रेशन प्रोसेस में किन किन चीज़ों को जोड़ा गया, तो आंसर है उसका मनी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, और तीसरा है हमारा फॉरेक्स मार्केट। चलिए अब देखते हैं हम लोग ट्रेजरी का क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्यों ट्रेजरी, हम लोग ट्रेजरी के लिए पूरा मॉड्यूल ही बनाया गया है, इसकी क्या अहमियत है, आइए इसे समझते हैं हम लोग, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक्स का जो सोर्स ऑफ फंड है ग्लोबल मार्केट से, ठीक है, बैंक क्या करती है कि फंड को कलेक्ट करती है ग्लोबल मार्केट से, और क्या करती है, उसको इन्वेस्ट करती है डोमेस्टिक करेंसी में, या वाइस वर्सा, इसका रिवर्स भी कर सकती है कि वो डोमेस्टिक करेंसी से फंड को कलेक्ट करे और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करे। तो ये किसके बदौलत हो पाता है, ट्रेजरी के बदौलत। ट्रेजरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंड थिंग इज, बैंक इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट। दो तरह का मार्केट आप लोगों को पता होगा, जो शेयर मार्केट है हमारा स्टॉक वाला, वो इक्विटी होता है, और जो डेप्ट मार्केट है हमारा, ठीक है, बॉन्ड वाला मार्केट, वो डेप्ट मार्केट होता है। इक्विटी यानी कि स्टॉक, और डेप्ट यानी कि बॉन्ड। तो दोस्तों, ये जो दोनों मार्केट है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा इक्विटी वाला ज़्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू बॉन्ड वाला। तो बैंक जो है इन दोनों के दोनों मार्केट में इन्वेस्ट करती है, किसके थ्रू, ट्रेजरी के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेजरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब है कि फंक्शन ऑफ ट्रेजरी को समझते हैं, कि ट्रेजरी क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि ट्रेजरी का पहले अप्रोच था, पहले सीमित था कहाँ तक, लिक्विडिटी मैनेजमेंट का। तो पहला तो फंक्शन यही होगा कि लिक्विडिटी को मैनेज करना ट्रेजरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। तो आइए देख, ट्रेजरी कैसे लिक्विडिटी को मैनेज करता है। तो सबसे पहली बात, ट्रेजरी शॉर्ट टर्म फंड है, एक साल से कम मैच्योरिटी वाला सिक्योरिटी ही इसके अंदर आता है। तो मैनेज करते हैं शॉर्ट टर्म फंड को, ठीक है, बिसाइड्स CRR और SLR को मेंटेन करने, मतलब CRR SLR तो मेंटेन होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा और क्या होगा कि शॉर्ट टर्म फंड को ये मैनेज करेगा, कौन, ट्रेजरी। ये तो था हमारा पहला फंक्शन, जो जिसे हम लोग लिक्विडिटी मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। द सेकेंड रोल प्लेड बाई ट्रेजरी इज प्रोप्राइटरी फंक्शन। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सा फंक्शन है, प्रोप्राइटरी फंक्शन, आइए समझते हैं इसे। देखिए, करेंसी में ट्रेड करना, ठीक है, सिक्योरिटीज में ट्रेड करना, या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना, जैसे डेरिवेटिव हो। दोस्तों, डेरिवेटिव एक पूरा पूरा लेसन ही है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसी ट्रेजरी वाले में ही मॉड्यूल में है।
तो काफ़ी अच्छा होने वाला है हमारा ये मॉड्यूल, और आसानी से धीरे धीरे समझेंगे सभी चीज़ों को। तो ये जो तीन टर्म आया, करेंसी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रू या डेरिवेटिव्स, इन सब में इन्वेस्ट करना हमारा प्रोप्राइटरी फंक्शन कहलाता है दोस्तों। और ये सब किसके कौन करता है? ट्रेजरी करता है, ठीक है। तो ट्रेजरी का ये फंक्शन है हमारा। जो तीसरा फंक्शन है वो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट भी ट्रेजरी का रोल है। कैसे? तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखिए दोस्तों, मैंने रिस्क जब जब मैं रिस्क को के टॉपिक को पढ़ा रहा था, तो आप लोग देखे होंगे कि एसेट और लायबिलिटी के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसमैच रहता है। तो वो जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, ठीक है, उसको ब्रिज करना। ब्रिज मतलब आप लोग समझते होंगे, ब्रिज का मीनिंग होता है कि उसके गैप को फिलअप करना, उसको गैप को कम करना, एसेट लायबिलिटी के मिसमैच के गैप को कम करना, ठीक है। तो ये काम कौन परफॉर्म करता है? ट्रेजरी परफॉर्म करता है, ठीक है। और इस प्रकार वो रिस्क को मैनेज करता है। चलिए, और किसके थ्रू? डेरिवेटिव टूल के थ्रू। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव एक पूरा चैप्टर ही है, उस पर टूल्स वगैरह हम सब लोग सब कुछ देखेंगे। तो अभी तो बस एक इंट्रोडक्शन है, हम लोग समझ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मॉड्यूल में क्या, मॉड्यूल की एकदम बेसिक नॉलेज समझ रहे हैं आखिर क्या क्या हमें पढ़ना है। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली शॉर्ट टर्म्स में बताएं, आपको नटसेल में बताएं, तो तीन तरह के फंक्शन हैं हमारे ट्रेजरी के: लिक्विडिटी मैनेजमेंट, प्रोप्राइटरी पोजिशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ओके, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रेजरी तीन बुक को मैनेज करता है। देखिए, ये जितना जितना हम पॉइंट बता रहे हैं ना, सबसे एक एक ही क्वेश्चन बन सकता है, तो बस इसे ध्यान से समझिए। तीन बुक आखिर कौन कौन से हैं जिसे ट्रेजरी मैनेज करता है? पहला एएलएम बुक, दूसरा मर्चेंट बुक, तीसरा ट्रेडिंग बुक। तो एएलएम बुक क्या होता है? एएलएम बुक यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट बुक, ठीक है। ये क्या करता है? ये इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट के से डील करता है, मतलब बैंक के अंदर जो रिस्क है उसको मैनेज करने का ये बुक है। दूसरा है हमारा मर्चेंट बुक। मर्चेंट बुक किसे डील करता है? क्लाइंट रिलेटेड डेरिवेटिव, मतलब जो बाहर के क्लाइंट हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उससे डील करता है। और तीसरा है हमारा ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक किससे डील करता है दोस्तों? सेल्स एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर बैंक, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक सेल या परचेज करती है, उससे कौन सा बुक डील करता है? ट्रेडिंग बुक। देखिए, यहाँ से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन भी बन सकता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा: एसेट लायबिलिटी, इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट, मर्चेंट बुक, क्लाइंट रिलेटेड डेरिवेटिव, ट्रेडिंग बुक, परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर बैंक, सेल एंड परचेज दोनों। चलिए, तो ये तो था हमारा ट्रेजरी का कौन कौन से बुक को मैनेज करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है इस पूरे ट्रेजरी का। तो देखिए, बैंक में क्या होता है, जो जनरल मैनेजर होते हैं उनका उन्हें उन्हें ही सीटीओ कहा जाता है। सीटीओ क्या होता है? चीफ ट्रांजैक्शन ऑफिसर। जो जनरल मैनेजर होते हैं उन्हें चीफ ट्रांजैक्शन ऑफिसर भी कहा जाता है। और वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सीईओ को, ठीक है। तो अब देखिए, एचओ लेवल पे, हेड ऑफिस पे चार सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो चार सेक्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है डीलिंग रूम। तो डीलिंग रूम में जो चीफ डीलर होता है वो हेड होता है डीलिंग रूम का। सो चीफ डीलर इज हेड ऑफ डीलिंग रूम। और अलग अलग डीलर होते हैं, फॉरेक्स के अलग होते हैं, मनी मार्केट के अलग होते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन के अलग होते हैं, ठीक है। तो डीलिंग रूम का हेड कौन होता है? चीफ डीलर होता है। और जितने जितने मैंने अभी बताया था यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका मनी मार्केट आया, सिक्योरिटी मार्केट आया, फॉरेक्स मार्केट आया, इन सभी के अलग अलग डीलर होंगे, चीफ डीलर होंगे। तो ये तो हमारा है डीलिंग रूम, ठीक है। अब बात आती है इसके नेक्स्ट ऑफिस की, जो कि हमारा मिड ऑफिस। मिड ऑफिस में क्या होता है? मिड ऑफिस में एम आई एस ये प्रोवाइड MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंप्लीमेंट्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉनिटर्स एक्सपोजर लिमिट एंड स्टॉप लॉस लिमिट। देखिए दोस्तों, यहाँ दो टर्म आया, एक्सपोजर लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट। इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आखिर ये होता क्या है एक्सपोजर स्टॉप लॉस, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग इस चीज़ को नोट करके रख ले कि एक्सपोजर लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये सब काम कौन करता है? मिड ऑफिस करता है, ठीक है, कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कैसे उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको मॉनिटर करना, ठीक है, उसका देखभाल करना कंटिन्यूसली। तो ये हमारा मिड ऑफिस का काम है। और तीसरा है हमारा बैक ऑफिस। बैक ऑफिस क्या करता है? इसका काम क्या है? इसका काम है वेरिफिकेशन करना या सेटलमेंट करना, किसका? डील का, ठीक है, कंफर्म करना डील को काउंटर पार्ट्स के साथ, ठीक है, या और सभी डील का बुक कीपिंग रखना। तो ये हमारा बैक ऑफिस का काम है। तो फ्रेंड्स, हमने तीन ऑफिस देखे, पहला था डीलिंग रूम, दूसरा था मिड ऑफिस, तीसरा था हमने बैक ऑफिस, चौथा है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफिस। तो जैसा जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का होगा? शेयर का होगा। तो इशू, शेयर को इशू करना, ये सब किसका काम है? इन्वेस्टमेंट ऑफिस का काम है। चलिए, तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने देखा कि चार चार ही एक्चुअली पाँच है, लेकिन हम चार ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीलिंग रूम था, मिड ऑफिस है, बैक ऑफिस है, और चौथा है हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफिस। अब हम लोग बात करते हैं से सोर्सेज ऑफ ट्रेजरी प्रॉफिट, ठीक है, कि आखिर
ट्रेजरी का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, ट्रेजरी में प्रॉफिट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा फॉरेक्स बिजनेस। पहला क्या है हमारा? फॉरेक्स बिजनेस। तो फॉरेक्स बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल तो पता ही होगा आप लोगों को, मैंने फॉरेक्स से पूरा एक चैप्टर ही समझाया है। तो बाय लो एंड सेल हाई, ये बेसिक प्रिंसिपल होता है, ये बेसिक फिलॉसफी है। तो अब देखिए, ओपन पोजीशन समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए पॉइंट को। पूछा जाता है कि ओपन पोजीशन क्या होता है, कि जब भी ऑफर बाउट कर लेंगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खरीद लिया जाए या ज़रूरत से ज़्यादा बेच दिया जाए, ऐसे सिचुएशन को हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओपन पोजीशन के बारे में, ओवर बाउट एंड ओवर सोल्ड पोजीशन इज कॉल्ड ओपन पोजीशन। तो ये जो फॉरेक्स बिजनेस है, ये एक तरह से ट्रेजरी का प्रॉफिट का सोर्स है। चलिए, दूसरा है हमारा मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट में देखिए क्या होता है कि बैंक क्या करती है, मनी मार्केट में सरप्लस फंड डाल देती है। ठीक है, और जब उसको ज़रूरत होती है तो उसे खरीद लेती है। तो इस प्रकार से वो ब्याज को खरीदती है, इस प्रकार से उसे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट से ही तो उसका प्रॉफिट होता है, ट्रेजरी का, किसी भी बैंक का, ट्रेजरी का, इसी से तो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट से। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड अदर सिक्योरिटीज़। तो ट्रेजरी के, ट्रेजरी का जो प्रॉफिट है वो कैसे अर्न करती है बैंक? तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करती है या अदर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करती है, जो कि डेब्ट या इक्विटी मार्केट में होता है। तो इस प्रकार से अपना प्रॉफिट जनरेट करती है ट्रेजरी के थ्रू बैंक। और चौथा है हमारा इंटरेस्ट आर्बिट्रेज। देखिए दोस्तों, आर्बिट्रेज को समझना बहुत ज़रूरी है, ये टर्म बार बार आएगा, आइए समझते हैं इसे अच्छे से। देखिए, यदि मान लीजिए कि ब्याज दर फेवर में है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, वो जो है खरीदेगी पैसा, ठीक है, बोरोज फ्रॉम सेंटर। ठीक है, यदि ब्याज दर कम है, कल फेवर मतलब कम होना, ठीक है, तो वो वहाँ से खरीदेगी पैसा जहाँ पे ब्याज दर कम है, और दूसरे सेंटर पे लगाएगी जहाँ पे ब्याज दर ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को आर्बिट्रेज कहते हैं, मतलब हम बीच में एक मेडिएटर हो गए, बैंक एक मेडिएटर हो गई, वो कहीं से पैसा उठा रही है कम ब्याज दर पे और ज़्यादा ब्याज दर पे उसे बेच रही है। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों, यही है आर्बिट्रेज, और यही इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग इंटरेस्ट आर्बिट्रेज कहते हैं। तो दोस्तों, कोई हाई फाई टर्म है नहीं, बस इसे समझना ज़रूरी है। आखिर पहले देखिएगा इंटरेस्ट आर्बिट्रेज, अरे ये क्या है, तो बस जब इसे समझ जाइएगा तो ये आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए। अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेसन लाऊंगा, इस पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से समझें और ध्यान से सुनें इस लेसन को, और अगला वेट करें मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो कि इस लेसन पर बेस्ड होगा, और उससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर बनता है दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।